Very good morning, each and every one. Most respected former Vice President Ansu Achimama, he is a former co-convener, seorang takar, और जितना भी हमारा यहाँ का सीनियर आया हुआ और मेरा जो जो एग्जीक्यूटिव कलेक्स हम आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो हमारा लेट विमुक्तता काम और का जो ये नियम हम ये सिक्स डेथ एनिवर्सरी और हम लोग अकाशु मर्जा डे में आप सब यहाँ आ देने के लिए हम जो हम लोग का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम टीम अकाशु का टीम की ओर से आप सबको दिल से वेलकम करता है और इसका जो फैमिली मेम्बर की ओर से भी मैं आप लोग को आप लोग का कीमती टाइम निकल के आ देने के लिए दिल से आप लोग को वेलकम करता है। ऑनररी डे में जो इन रिमेम्बर्स ऑफ लेट रुमुक्तदा के नाम से जो मनाया जाता है 2 मार्च एवरी ईयर में, तो आज का दिन सबको गुड मॉर्निंग सीनियर हम लोग ताली का जितना भी सीनियर आया है तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी आया है, को कंटिन्यूर भी आया है फॉर्मर आंसु का और जितना भी सीनियर है और इंटेलेक्चुअल जो आया है तो मेरा एग्जीक्यूटिव कलीग्स, तो ये आज हम लोग का जो लेट रुमुक्तदा का हम लोग ये एक हम लोग अतासु का एक माना जाना वाला एक प्रेसिडेंट था, अतासु को स्टूडेंट लाइफ में अतासु ने इतना सर्व किया है। हेलो, वेलकम टू आथु न्यूज़ 24/7। मैं हूँ योर नथोनी और फिलहाल इस वक्त या ईटानगर के दरिया हिल के यहाँ आया हुआ है, यहाँ जैसे कि अतासु का फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रुमुक्तदा जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहा और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आई है हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम अतासु और उसके साथ में यहाँ का तालीगढ़ सीनियर मेम्बर और फॉर्मर स्टूडेंट लीडर लुक आया है। चलिए इसके बारे में उनसे बात करते हैं। श्री तागरुता में जी जो फॉर्मर अंसु के वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है, चलिए आइए। सर, जैसे कि अतासु का फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है रुमुक्तदा, क्या उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? प्रेसिडेंट ताली एरिया स्टूडेंट्स यूनियन, जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जितने भी परिवार है लेट रुमुक्तदा का, मेरे तरफ से रेस्पेक्ट ऑनर। रुमुक्तदा वो ऐसा एक इंसान था, एक हम्बल और एक सूटेबल नेचर का, एक जेंटल, एक ब्राउट सेंस वाला वो लड़का था। वो मेरा ही अपना टीम में रहा। रुमुक्तदा 2 times अतासु प्रेसिडेंट रहा, तो उनका जब अतासु प्रेसिडेंट समय में हमारा
ताली का जो स्टूडेंट्स और जितना पब्लिक जो है एक यूनाइटेड रहता था और मेरे साथ बहुत काम किया है। और रोमिक तदा का फीरियड में ताली जब रोड कनेक्टेड नहीं था तो हम लोग ने गया है वहाँ KGBB स्कूल है, उन्होंने लीड करके पैदल मार के एक दिन कम्प्लीटली पैदल मार के उन्होंने पूरा टीम को ले गया था जब मैं अंशु का वाइस प्रेसिडेंट था। तो आज उनका छठा शहीद दिवस हम लोग यहाँ मना रहा है। तो आज रोमिक तदा हमारा पास नहीं है, एक शरीर के तौर पे रूप पे नहीं है, लेकिन हमारा मानना यह है कि रोमिक तदा आज हमारा साथ है, उनका आत्मा उनका आशीर्वाद हमारा साथ है। ये अतासु का मानना है और ये हमारा ताली एरिया का मानना है और इंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी जो उनसे जोड़ा गया था अरुणाचल प्रदेश का, सबका ये मानना है। और आज उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जैसे सर आप फिलहाल तो यहाँ सब एजुकेटिव मेंबर अतासु रहा, क्या आपकी उनकी और अचीवमेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपके जो फॉर्मर अतासु प्रेसिडेंट श्री रोमिक तदा का? रोमिक तदा का सबसे प्राइम अहम जो अचीवमेंट रहा है कि उन्होंने यूनिटी बरकरार रखा। जैसे हमारा ताली कॉन्स्टिट्यूंसी में दो सर्कल होता है, ताली और पीप सोरंग होता है। तो ताली और पीप सोरंग का जितना भी छात्र है जो यूथ से स्टूडेंट है उन्होंने यूनाइटेड रखा, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने यहाँ प्ले किया है। तो मेरा साइड से भी अपील ये रहेगा कि इसी तरह का अभी जो आने वाला जो अभी प्रेजेंट का जो अतासु मेंबर है जो आने वाला, इसका प्रिंसिपल को मेंटेन करना है, यूनिटी ऐसे कायम रखना है। उन्होंने ये यूनिटी कायम रखने के लिए अहम भूमिका निभाया है उन्होंने। तो दूसरा स्टूडेंट का जो अफेयर्स है उनका फेवरेट में कई बार देखिए ताली पीप सोरंग ऐसा की जगह है कि आज भी 70% जो एरिया है जब विलेजेस है रोड कनेक्टेड नहीं है। तो रोमिक तदा का पीरियड में कई स्कूल में उन्होंने विजिट किया है, विजिट करके गया है ताली, खास करके ताली जो सेकेंडरी स्कूल है, तो कई मुद्दा भी उन्होंने उठाया था और जाके बाद में सक्सेस भी हुआ है। अस्पेक अतासु प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी रोमिक तदा जो फॉर्मर अतासु प्रेसिडेंट वो बहुत अच्छा लीडर था हम लोग का अतासु के लिए। वो AGS अतासु से लेकर वाइस प्रेसिडेंट दो बार बना अतासु का, और उसका लीडरशिप पे हमने अतासु अंशु का को कम्बिनर जीता और यूनिटी करा के हमको अंशु का को कम्बिनर जिताया था उसका। और वो बहुत अच्छा लीडर था हम लोग का स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, स्पेशल हम लोग का ताली एरिया के लिए स्टूडेंट को बहुत अच्छा से यूनिटी कराया और स्टूडेंट ये के लिए बहुत अच्छा काम किया। वो एरिया का डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट का बेनिफिट के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया। और वहाँ इवन उतने उसने अतासु का ऑफिस को भी बनाने के लिए भी कोशिश किया, वो सक्सेस नहीं पाया उसका लीडरशिप में। और वो आज का दिन पे वो ये अगर एक्सपायर नहीं होता तो वो अतासु का ऑफिस को बना देता, और उसका एक्सपायर को होने के कारण से आज भी अतासु का ऑफिस पेंडिंग है। और प्रेजेंट अतासु टीम को हम ये रिक्वेस्ट करता है कि अतासु ऑफिस को जैसे भी आप लोग बनाने के लिए कोशिश कीजिए, उसका सपना था वो बनाने का था, उसको आप लोग जैसे भी बनाने की कोशिश कीजिए। सर जैसे कि आज जाना जा रहा है कि अतासु ये तली एरिया में जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म रहा 1981 से शुरू हुआ, तो वहाँ से लेके अब तक बहुत सारे स्टूडेंट लीडर जो आउटकम हुआ वहाँ से आउटसाइडर में पार्ट ऑफ रहा, जैसे कि आप रहा या कोई और अच्छी मामले लोग जैसे अंशु में वाइस प्रेसिडेंट रहा, तली से बहुत लोग निकलता है जो स्टूडेंट लीडर को लेके, इनके बारे में आपका क्या राय है? ताली बहुत बैकवर्ड है कम्युनिकेशन में सब कुछ में, लेकिन अच्छा अच्छा लीडर ताली से निकलता है, दैट्स आई एक्सेप्ट। और आज यहाँ में 6th यूनिवर्सरी रिलेट रोमिक तदा, लेकिन वो बहुत ग्रेट लीडर था, बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत डेडिकेट लीडर था, उसने यंग लीडर्स को बहुत इंस्पायर किया। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे इसका 8th यूनिवर्सरी को हम लोग ऑब्जर्व करने आया। तो इस प्रकार आप लोग वो करना है, हमारा ताली से बहुत अंशु अपशु में बहुत लीडर आया, आप लोग इंस्पायर होके और फ्यूचर यंग जनरेशन लोग भी इससे इंस्पायर होना चाहिए।
पेरमुख नलंग हाजंग हरा पगदा लुक पयाल